अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तुलसी और बासिल में क्या डिफरेंस है और इन दोनों पौधों की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी जिसे होली बासिल भी कहा जाता है, इसका ज़्यादातर मेडिसिनल यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, जबकि बासिल जिसे स्वीट बासिल या न्याजबू भी कहा जाता है, इसे ज़्यादातर खानों को खुशबूदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी और बासिल दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर तुलसी के पत्तों की खुशबू और टेस्ट भी थोड़ा तेज़ होता है, जबकि बासिल की खुशबू ज़्यादा तेज़ नहीं होती और टेस्ट भी स्वीट होता है। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ के बारे में। बासिल या न्याजबू की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है और वैसे भी ये पौधा देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, मगर तुलसी का पौधा इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं करता। तुलसी के पत्ते ज़्यादा लंबे नहीं होते, इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, जबकि बासिल या न्याजबू के पत्ते ज़्यादा लंबे होते हैं और इनकी चौड़ाई भी कम होती है। वैसे तो ये दोनों पौधे ही टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, यानी ये ज़्यादा सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, मगर बासिल के मुकाबले में तुलसी का पौधा थोड़ा हार्डी प्लांट है, ये ज़्यादा गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त कर लेता है, मगर बासिल का पौधा ज़्यादा नाजुक है, यह गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। बासिल या न्याजबू के पौधे को पर्पल या जामनी रंग के फूल लगते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये देखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, जबकि तुलसी के पौधे को ग्रीन कलर के फूल लगते हैं। ये दोनों पौधे अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से बड़े मशहूर हैं, यहाँ तक कि तुलसी के पौधे को इंडिया में एक मुतबरिक पौधा माना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है, इसलिए ये दोनों पौधे हर घर में ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके पास जगह खाली है तो आप ये दोनों पौधे अपने घर में ज़रूर लगाएं। अच्छा, मैं चलता हूँ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।